कभी सूखे की मार तो कभी बेमौसमी बरसात किसानों के माथे की लकीरें गहरी करती रहती हैं। पिछले 3 दिनों से खराब मौसम व तेज हवाओं ने एक बार फिर जिले के किसानों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उकेर दी हैं। बरसात से खड़ी फसलें बिछ गई हैं। किसानों ने कहा कि अभी उनके पिछले धान की फसल के नुकसान से उभर नहीं पाए थे कि अब गेहूं की फसल खराब हो गई है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हाँ जी सर, की गलबात हुई है? गलबात इदा है जी, पुत्ता वांगू पाली फसल जी कणक वा, दिन रात मेहनत की है। ये जी बारिश बेमौसम आई है, ये बारिश आन करके हवावान वगन करके जी कणक का बहुत ज़्यादा नुकसान होया। आम छोटे जिमीदार है साढ़े इलाके विच, ते जिहदे कोई 2-4 किले जमीन है, उहदी कोई 3 किले कणक जिदा डिगी है, ते ये कणक जी डिगी इहदा नुकसान आ जी बहुत ज़्यादा। तो सरकार अगे झोने की फसल भी तुहानू पता बड़ा नुकसान होया पिछे, तो जिमीदारा नू आस सी कि चलो झोने की फसल का नुकसान होया तो कणक तो असी कोई लैन देन करांगे, तो ये भी रब की कोई रब ना भैली है जी, तो ये भी आफत आन डिगी है। तो सरकार नू चाहिए कि गुरदौरियां करके जिहड़े जिमीदार ने उन्हां दा मतलब गुरदौरियां करके उन्हां नू मुआवजा दिता जाए, ये बेनती है जी साडी। नुकसान वेखो जी, जी कणक डिगी है तो काफ़ी नुकसान है, अद्धो अद तो भी ज़्यादा कणक का नुकसान हो जाता, तूड़ी का भी नुकसान है, कणक का भी नुकसान है जी, ये नुकसान बहुत ज़्यादा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਮਾ ਗੁਜਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ? ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ 70% ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ 60% ਹੈ, ਇਹ ਕਣਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 100% ਹੀ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਆਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ। ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਣਕ ਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਣਕ ਦਾ ਫਸੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नितेश चौधरी एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे इन द ईयर 2009। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर उषा, आई एम अ डेंटल सर्जन एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला इन 2017। और हमने संदीप जी गुरुकुल ज्वाइन किया है एज ए आईआईटी जेईई एक्सपर्ट एंड नीट एक्सपर्ट। आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है। So let's start the preparation journey from class 6 onwards in fun and easy way. ताकि जब बच्चा class 11th में आए तो वो competition से आगे ही रहे और उसकी preparation journey बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। Because always remember, well begun is half done. तो अब हर बच्चे का आसानी से इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना पूरा होगा संदीपनी गुरुकुल में। So start your journey with us as संदीपनी गुरुकुल now.